अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? ओके, प्लीज आस्क योर क्लासमेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल हैव जॉइन द क्लास। महक, आदिल, ओके। So there are, I think there are three students who joined our class on Google Meet, and they were facing problem related to joining on Zoom. So what we have discussed yet, I will share through a recorded lecture. और ये recorded lecture ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि आपके classmates ने आप लोगों के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह हम जो है उसको link को class को आपको वहाँ join करवाएँ, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका वो काम। और हमने एक बार क्लास के पासवर्ड जूम के लिंक को रीसेट भी किया, तो फिर फाइनली हम लोग यहाँ इधर गूगल मीट पे क्लास ले रहे हैं, सो आप लोग भी क्लास ले सकें। तो जो पॉइंट्स निकल गए हैं उसके लिए या तो हम कोई एक्स्ट्रा टाइम रख लेंगे, आप लोग मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं आफ्टर कॉलेज आवर्स। मैं वाइस प्रिंसिपल से बात कर लूँगा, डेफिनेटली वो मुझे अलाउ कर देंगी इंशाल्लाह। तो आप, मुझे पता है आप बहुत थक जाते हैं इतने सारे यूनिट्स लेकर, बट अगर फिर भी स्टिल आप लोगों को नीड हो तो मैं एक्स्ट्रा टाइम आपको 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना टाइम आपको चाहिए हो डेफिनेटली मैं आपको देकर वो कवर करवा दूंगा जो आज आपकी क्लास मिस हुई है या थोड़ा बहुत मिस हुआ है। और रिकॉर्डेड लेक्चर डेफिनेटली उसको थोड़ा सा कंपाइल करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 से 3 हिस्सों में छोटे छोटे वो बने हैं क्लिप्स, तो उसको हम एडिट करके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 वीडियोज़ की शक्ल में, एक ये वाली जो अभी बन रही है और एक प्रीवियस वीडियो। ठीक है, ओके माई डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट करंट लाइबिलिटीज for I am giving a sentence for all those students who have joined recently in on our Google Meet class, that we are discussing liabilities. Liabilities are the financial obligations of a business. Liabilities are the responsibility of the business, responsibility to pay. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड बड़ा सिंपल वर्ड है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जनरली जिम्मेदारियाँ लिया जाता है। ठीक है, तो और वो जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती, पैसों में नहीं होती ना। ठीक है, जैसे आपको घर का कोई काम आपके हवाले किया गया है तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो उसमें हम कहीं जनरली फाइनेंशियल टर्म्स भी यूज़ करते हैं और नहीं करते, बट राइट नाउ बिजनेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग वी यूज़ वर्ड लाइबिलिटीज़। Liabilities are basically financial obligations which a business has to pay. If the financial obligations of the business has to pay within 1 year are called current liabilities, and if the liabilities of the business has to pay more than a year, then it will be categorized as non-current liabilities. So my dear students, we have discussed yet bill payable, note payable. Note payable क्या है प्यारे बच्चों, हमें काम करते हैं। माज जाहिद साहब, please unmute your mic. माज़ाहिद, प्लीज अनम्यूट योर माइक। माज़, कैन यू हियर मी? प्लीज अनम्यूट योर माइक बेटा। नेटवर्क इशू, अच्छा ओके। अरमान, प्लीज आप अनम्यूट करेंगे बेटा माइक को? जी अरमान, अरमान कैन यू हेयर मी? कैन यू अनम्यूट योर माइक? बेटा आप थोड़ा सा जल्दी से बता सकते हैं कि व्हाट इज नोट्स पेबल? बिल्कुल सही है। और महक आदिल, इसका इसका टाइम क्या होता है? अच्छा, अब आप लोगों के आंसर तो शेयर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आप अपने क्लासमेट्स की चैट को देख सकते हैं, मैसेजेस को देख सकते हैं। इसका जनरल टाइम होता है 1 to 5 मंथ्स। ओके, तो मैं इस पर टाइम ज्यादा नहीं लगाता और मैं अब मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट अकाउंट पर, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है,
बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड हमने चीज पढ़नी है इंशाल्लाह SLO 3 में मेरा बेटा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है कि मैं बोलूं कि ये तो बहुत ही मुश्किल वर्ड है और अभी इसको समझना मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल अभी समझ सकते हैं मेरे साथ मेरे बच्चों। तो इसको अभी समझते हैं फौरन, बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं क्वेश्चन प्लेस करता हूँ, आप उसका आंसर देंगे तो मुझे पता चलता जाएगा कि आपको मेरी बात कितने अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट को समझना है, पहले वर्ड फोकस करते हैं बैंक। जी पहले वर्ड फोकस कर लिया कौन सा मेरे बच्चों, बैंक। तो जरा चले मुझे बताएं, बैंक को तो वी वर कैटेगराइजिंग एज अ करंट एसेट। ओके, महक ने बताया, आंसर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट का, बट आई एम आस्किंग अबाउट वी वर कैटेगराइजिंग बैंक एज अ करंट एसेट। नहीं, पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें, व्हाई बैंक इज आवर एसेट। एक्सीलेंट जहरा, दैट वॉज अवर मनी इन द बैंक, वेन वी आर एबल टू टेक मनी इट इज एन एसेट। ओके हफ्सा, किससे पैसे ले रहे हो बेटा, किसके पैसे ले रहे हो? आपने कहा वेन वी आर एबल टू टेक मनी, तो किसके पैसे हैं वो? अपना पैसा है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच जिन्होंने जवाब दिया। अब रिजा, आपने जो जवाब दिया वो मुझे लग रहा है कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट को एक्सप्लेन कर रही है ना, मैं बात कर रहा हूँ बैंक, व्हाई बैंक इज अवर एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट को समझने से पहले बैंक को तो रिकॉल कर लें, कहीं ऐसा ना हो स्टूडेंट्स बोले भाई बैंक तो हमें याद नहीं आ रहा और सर बैंक ओवरड्राफ्ट समझा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बैंक इज बेसिकली अवर एसेट। एंड व्हाई इट इज अवर एसेट, बिकॉज इन बैंक वी डिपॉजिट अवर बिजनेस। अरमान, योर माइक इज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योर माइक। अरमान प्लीज म्यूट योर माइक बेटा, अरमान प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो मैं क्या कह रहा था प्यारे बच्चों आपसे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बैंक में हमारे पैसे रखे हुए होते हैं, हमारा पैसा बैंक में है, तो बैंक में जब हमारा पैसा है तो वो किसका है, हमसे मुराद हमारे बिजनेस का, और वो पैसे हम बैंक से निकाल कर वापस अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं। अवर मनी इज अवर एसेट, है ना, तो हम उसको यूज करते हैं, दैट्स व्हाई बैंक बैलेंस इज अवर एसेट एंड करंट एसेट, बिकॉज बैंक से पैसे निकाल कर इस्तेमाल करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुझे जवाब दें, सभी बच्चे कोशिश करें रिप्लाई करने की, आपके रिप्लाईज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन द क्लास। एक मिनट जरा मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं अब आप लोगों की। मुझे सवाल का आपने जवाब देना है कि मेरे बैंक बैलेंस में 5 लाख रुपीज मौजूद हैं, मेरा बैंक बैलेंस 5 लाख रुपीज है, मुझे अगर अपने बैंक से 6 लाख रुपीज विड्रॉ करने हों, मुझे बैंक से 6 लाख रुपए निकालने हों, तो आपके ख्याल में मैं सर इमरान, और यही बात आप अपने पेरेंट्स पर रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप अपने ऊपर रख लीजिए, आपके नाम का अकाउंट है बैंक में और आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीज मौजूद हैं, इमरान खान का अकाउंट है बैंक में, इमरान खान के अकाउंट में 5 लाख रुपीज मौजूद हैं, और अगर मैं, आप, आपके वालिद, आपके भाई बैंक से निकालने जाएं 6 लाख रुपीज, तो बैंक हमें 6 लाख रुपीज देगा या नहीं देगा, पहले इस सवाल का जवाब दे मेरे। अच्छा देगा, ओके, सबके जवाब देख रहा हूं मैं बहुत गौर से। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबके जवाबों का।
मेरे खुदा। अच्छा जी, तो आप सबने कहा बैंक हमें पैसे देगा, ये आप सबका जवाब है। अच्छा जी, आज 14th है और सिर्फ इतने से लोगों की अटेंडेंस आ रही है मेरे पास वहाँ, ये बड़ा इशू है। मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है और गूगल मीट में ये मसला होता है कभी कभार कि ये अटेंडेंस मार्क करते हुए प्रॉब्लम करता है, सब लोग शो नहीं हो रहे यहाँ पे। चलें एक काम करता हूँ, अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर मुझे अटेंडेंस का याद दिला दीजिएगा तो मैं लीव करके ज्वाइन करूंगा, फिर अटेंडेंस मार्क करूंगा, ठीक है। अभी क्लास में सभी सी आ रहे हैं मेरे, सारी सी आ रहे हैं क्लास के अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बात यह है कि बात रब्त बार बार टूट जाता है हमारी बात का, कि आप सबने जवाब दिया बैंक देगा। अभी आपका जवाब मैंने नहीं देख सका, प्लीज मैं आपका जवाब देखना चाहूंगा, अरमान आपका जवाब भी एक बार दोबारा देखना चाहूंगा जी। अबीर और अरमान और आयान भी थे, आयान मैं आप तीनों के जवाब देखना चाहूंगा प्लीज, जरा अगर आप मुझे अपने जवाब दोबारा लिख के भेज दें। अरमान ने कहा नो सर जी, अभी आप भी बताइए ना कि बैंक हमें 6 लाख रुपीस देगा या नहीं देगा, अगर मैं बैंक से 6 लाख रुपीस विदड्रॉ करने जाऊं, जल्दी से जवाब दीजिए। शाबाश, आयान सेट देगा। अबीर आपका जवाब नहीं आया बेटा अभी तक। अबीर आर यू देयर, अबीर कैन यू हेयर मी जी, अबीर सेट देगा। ओके अब मेरा जवाब सुन लें, मैंने कहा था कौन जा रहा है बैंक पैसे लेने, बताइए किसका अकाउंट है। अब आप बोलेंगे सर आप तो घुमा रहे हैं हमें, नहीं घुमा नहीं रहा, मैंने बोला था आप मैं आपके वालिद वालदा आपके भाई, तो इसका मतलब है हम तो कौन है। यस अबीर ने आप पॉइंट जो है वो पिक कर लिया, बिजनेस थोड़ी जा रहा है सर, तो बिजनेस में जाहिर सी बात है सर मैं ही तो जाऊंगा, मैं ओनर हूं बिजनेस का। तो मैंने कब कहा कि मैं किसी बिजनेस का ओनर हूं, मैंने सिंपल वर्ड्स में कहा सर इमरान जा रहे हैं, सर इमरान का कोई बिजनेस नहीं है, आपका कोई बिजनेस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि दिस फैसिलिटी इज बेसिकली नॉट फॉर अ इंडिविजुअल, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल, दिस फैसिलिटी इज प्योरली फॉर बिजनेसेस। विच फैसिलिटी सर? मेरा बच्चा ये जो 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देने वाली बात है ना, ये इंडिविजुअल्स को नहीं मिलती है फैसिलिटी, वो अपने अकाउंट से उतने ही पैसे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं जितने उनके अकाउंट में मौजूद हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को ताकि आप बहुत अच्छे से मेरी बात समझ जाएं, सुन लें और फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर बिल्कुल मजा नहीं आएगा बात करने का। देखें मेरे अकाउंट सर इमरान के अकाउंट में, यानी मेरा अकाउंट बैंक में किस नाम से खुला हुआ है, टाइटल ऑफ अकाउंट भी इमरान खान है, अब तो क्लियर हो गई बात। अगर मेरा अकाउंट इमरान ट्रेडर्स के नाम से, इमरान ब्रदर्स के नाम से खुला हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि ये तो कोई बिजनेस अकाउंट है। मेरा बैंक में अकाउंट खुला हुआ है इमरान खान के नाम से, मैं बैंक जाकर बैंक में चेक पेश करता हूँ 6 लाख रुपीज का, बैंक कैशियर मेरे अकाउंट में पैसे देखेगा, बोलेगा 5 लाख रुपीज है, वो चेक वापस कर देगा, बोलेगा आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते इतने पैसे। सिंपल, चेक बाउंस हो गया, चेक वापस मिल गया, चेक रिटर्न हो गया। हाँ बात समझ में आती है, बट ये चेक अगर बिलफर्ज, अब थोड़ी देर के, यानी इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ दिस फैसिलिटी इज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, सही है, ये मेरे लिए आपके लिए आपके वालिद के लिए वालदा के लिए भाई बहन के लिए फैसिलिटी जनरली नहीं होती, ये एक्सेस अमाउंट निकालने की फैसिलिटी। सर फिर किन के लिए होती है? ये बेसिकली बिजनेस अकाउंट्स के लिए होती है। अब चेंज करता हूँ सिनेरियो, सिनेरियो यह है कि मेरा अकाउंट बिजनेस बैंक में है इमरान ट्रेडर्स के नाम से, मैं सर इमरान ब्रदर्स के नाम से, मैं सर इमरान ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। अब मैं बैंक जाकर
उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हमें हमारे अकाउंट से 6 लाख रुपीज निकाल कर दे दें, तो बैंक ने पहले से मुझे बताया होगा, ऐसा नहीं है कि मैं अचानक पहुंच गया बैंक और जाके कह रहा हूँ जरा मुझे 6 लाख देना, नहीं, बैंक ने मेरे बिजनेस की रेपुटेशन को देखते हुए, बैंक ने मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए मुझे बताया होगा कि आप अपने अकाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये बैंक ने मुझे क्या दी होगी, बैंक ने मुझे ये क्या दी ऑफर, ऑफर किस चीज की, मुझे बैंक दे रहा है एक सहूलत, किस बात की सहूलत सर, बैंक कह रहा है आपके अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हो आप उससे 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। अच्छा सर, ये पैसे जब हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे तो क्या ये हमारे हो जाएंगे, नहीं बेटा ये पैसे हमने बैंक को करने होंगे, ये पैसे हमने बैंक को करने होंगे वापस, एग्जैक्टली रिटर्न। तो जब तक हम बैंक को ये पैसे वापस नहीं कर देते, ये पैसे बिजनेस की कहलाएंगे, लाइबिलिटी। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन रेज हुआ, सर ये हम पैसे कब तक वापस कर देते हैं, अंदाजन ये पैसे हम कितने अरसे में वापस करते हैं। तो याद रखें, बात तो बहुत तवील हो जाएगी, मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा बात, हर बिजनेस की एक कोशिश होती है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट ना करे। सुन रहे हैं आप मेरी बात, मैं इसके ऊपर भी मजीद 1 यूनिट बोल सकता हूं सिर्फ इसी बात पर, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, मुझे लिमिट में रहना है और आप मेरा साथ दीजिए। मैं कह रहा हूं हर बिजनेस की एक कोशिश होती है, आप में से जो भी स्टूडेंट चाहे वो आर्ग्यूमेंट करेगा और डेफिनेटली मैं उसको आंसरेबल हूं, मैं उसके साथ उस आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बनूंगा, डिस्कशन करेंगे हम, डिस्कशन होनी चाहिए, सही है, बहस भी पॉजिटिव मैनर में होनी चाहिए, समझने वाले अंदाज में, ठीक, क्या कह रहा हूं। अब जब बैंक ने बिजनेस की ये पूरी कोशिश होती है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट ना करे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक हमसे वो नॉर्मली बहुत ज्यादा होता है, हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है हमें बैंक ओवरड्राफ्ट पर। अब इसकी क्या वजह होती है, ये थोड़ा सा आप पीओसी में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंशाल्लाह किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम में इसको आपको बता दूंगा कि बैंक किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं हाउ बैंक वर्क्स, बट इसको हम थोड़ा सा किसी दिन एक्सप्लेन कर देंगे फर्दर। अभी अपनी बात को जल्दी से मुकम्मल करने के लिए कहता हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट में जब हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाले तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर बैंक हमसे डेली डेली की रूटीन के मुताबिक डेली बेसिस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो इंटरेस्ट के अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। तो हर बिजनेस की कोशिश होती है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट ना करे, और अगर करना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता पैसे ना हो बैंक अकाउंट में और पैसों की जरूरत भी पड़ रही हो, तो फिर बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकालने के बाद हर बिजनेस की कोशिश होती है कि विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप कह दें, यानी यूं कह दें कि आज एक्स्ट्रा पैसे निकाले कल ही वापस कर दूं, बिजनेस की ये कोशिश होती है। सर क्या ज्यादा नहीं हो सकता टाइम, 1 महीना 2 महीने हो सकते हैं बिल्कुल, कोई ये तो फिर वही वाली बात आई ना, कंडीशन लग गई, लेकिन जनरली हम क्या कहेंगे, जनरली वी विल से दैट इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट वी हैव टू पे एक्सेस अमाउंट, द ओवरड्राफ्ट अमाउंट टू बैंक विद इन अ ईयर। सर अगर 1 साल से ज्यादा अरसे तक होल्ड कर लूं तो फिर वो करंट लाइबिलिटी नहीं होगी, वो नॉन करंट बन जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बिजनेस डूब जाएगा, बिजनेस तबाह हो जाएगा, क्यों, इतना हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी कि बिजनेस का सारा प्रॉफिट उसी इंटरेस्ट को पे करने में चला जाएगा, बिजनेस हो सकता है लॉस में चला जाए, ठीक है जी। तो बस इसके ऊपर मैंने अर्ज किया, बहुत ज्यादा बहस हो सकती है, लेकिन आई होप आपने मेरी बात को सुना समझा, और हमारे पास टाइम खत्म होने से पहले मुझे एक बार प्लीज रिमाइंड करवा दीजिएगा कि सर अटेंडेंस मार्क करनी है, क्योंकि आज अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं हुई है, और ये गूगल मीट पे ये मसला आता है, इसमें फिर मुझे लॉग इन लॉग ऑफ करना पड़ेगा तो होगी। ओके प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लियर हो गया, कौन सी लाइबिलिटी है, इज इट क्लियर टू ऑल जी, फातिमा, महक, अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, सही है मेरा बच्चा, जजाकअल्लाह, खुश रहिए आप तमाम लोग। बस जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, मैंने इनफ इसके ऊपर बात कर ली है। द नेक्स्ट नेम ऑफ अकाउंट इज एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड
outstanding. Both words have same meaning. Accrued and outstanding, both words have same meaning. Exactly. Tariq Azam sahab, liabilities and loan payable. आपने payable का word use कर लिया ना, तो payable का मतलब अदा करना है. तो चाहे वो loan payable हो, चाहे वो trade payable हो, चाहे वो salary payable हो. आपने कहा sir, loan payable and liabilities are same. तो loan payable is part of liabilities. ठीक है Tariq Azam, loan payable is basically part of total liabilities. बिजनेस की टोटल लाइबिलिटीज में सिर्फ लोन पेबल भी हो सकता है और एक से ज्यादा लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं. लोन बेसिकली लाइबिलिटीज इज जस्ट लाइक अ रूम, ठीक है, और इस रूम में बहुत सारी तरह की लाइबिलिटीज हो सकती हैं. तो लोन पेबल इज वन ऑफ देम. सैलरी पेबल हो सकती है, रेंट पेबल हो सकती है, कमीशन पेबल हो सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकती है, ट्रेड पेबल हो सकती है. Tariq Azam साहब, इज इट क्लियर? फातिमा जरा सर, सर फिर इंडिविजुअल कैसे लोन लेगा प्रॉपर्टी के बेसिस पर? अच्छा, अब फातिमा पहली बात तो ये कि मैं अगर आपको जल्दी से जवाब दे के आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिविजुअल से रिलेटेड अकाउंटिंग तो मैंने पढ़ानी नहीं है तो इसको इग्नोर कर दें. लेकिन आप क्योंकि साइंस बैकग्राउंड वाली हैं तो आपका तो लाजमी दिल चाहेगा कि नहीं मेरे सवाल का जवाब मिले. इंडिविजुअल को लोन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी. सही है, इंडिविजुअल जो है वो अपनी सैलरी स्लिप बैंक को शो करते हैं लास्ट सिक्स मंथ्स की. बैंक उनकी सैलरी को देखते हुए उन्हें लोन देता है. और अगर बड़ी अमाउंट चाहिए हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप या इसी तरह आप जो है बहुत सारे लोग अपनी सैलरी को बेस बनाकर अपनी सैलरी स्लिप शो करके बैंक से जो है वो कार फाइनेंसिंग करवाते हैं. कार फाइनेंसिंग सुनी है ना आपने, ठीक है, वो जो लोन लेते हैं उसको कहते हैं पर्सनल लोन. ये इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ फातिमा की फरमाइश पर. और कार फाइनेंसिंग भी बता दी. और अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपकी सैलरी के अमाउंट बैंक के क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए. अच्छा सर, अगर मुझे पर्सनल लोन चाहिए और बड़ी अमाउंट चाहिए हो और मेरी सैलरी जो है वो उसको मीट ना करती हो, तो फिर आप अपनी कोई चीज बैंक के पास रखवाते हैं गिरवी. गिरवी का मतलब है मॉर्टगेज. अभी पढ़ाऊंगा आगे फातिमा, इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा. एक्रूड की बात हो रही थी लेकिन फातिमा ने हमारी डायरेक्शन चेंज कर दी, कोई बात नहीं. एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग, अबीर सेड एक्रूड एक्सपेंस इज सच एक्सपेंस व्हिच वी हैव अवेल्ड बेनिफिट एंड नॉट येट पेड. थैंक यू सो मच, थैंक यू. एक्सपेंस करना बाकी है? नहीं नहीं आयान भाई, एक्सपेंस करना बाकी नहीं है. एक्सपेंस तो हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है, बट हमने उसकी पेमेंट नहीं की. अरमान जमील सेड एक्रूड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट टू मेक फ्यूचर कैश पेमेंट, दे आर शोन ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट एज करंट लायबिलिटी. इतनी खतरनाक डेफिनेशन मैं साइंस वालों को सुनाऊंगा वो बोलेंगे सर इमरान बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते, ठीक है. लेकिन अरमान भाई थैंक यू सो मच, आपने जो डेफिनेशन बताई रिटर्न नहीं किया. ओके, अब मैं कहता हूँ एग्जैक्टली हफ्सा, ये बहुत आसान वर्ड आपने यूज किया, रिटर्न नहीं किया, यानी कोई चीज आउटस्टैंड करती है आपके ऊपर. तो एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग, अब आप बिल्कुल सिंपल इसकी मीनिंग समझेंगे. एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का मतलब है, आसान उर्दू में बोल रहा हूं प्यारे बच्चों आपके लिए, वाजिब. सुना आपने मैंने क्या बोला? वाजिब. यस, वाजिब उर्दू का लफ्ज है. जैसे कहते नहीं है वाजिबुल अदा, वाजिबुल वसूल. यस एग्जैक्टली, वाजिब. अक्सा ने तो उर्दू में लिख के भी भेज दिया वाजिब, पढ़ लें आप लोग, वाजिब आपको नजर आ जाए. सर ये क्या होता है, व्हाट इज दैट? अच्छा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने कभी भी नहीं सुना वाजिबुल अदा, कोई चीज आप कोई अमाउंट आप पर अदा करना फर्ज हो जाए, वाजिब हो जाए. अब मैं यहाँ पर इस्लाम के लिहाज से नहीं पॉइंट समझाऊंगा, यानी सुना है वर्ड. ओके, जिन्होंने सुना है उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं सुना वो इसको इस तरह से ले लीजिए बात को, कि आपने किसी चीज का बेनिफिट हासिल कर लिया एमन, और आपने उस चीज की उस चीज से रिलेटेड पेमेंट नहीं की. लाइक आपने अपने एम्प्लॉयज से काम तो करवा लिया बट यू डिड नॉट पे येट, तो आप पर वो सैलरी उनको पे करना क्या हुई? वाजिब. सही है, वो सैलरी आप पर आउटस्टैंड करती है, वो सैलरी अक्रूड है. अक्रूड माने वाजिब. अब यहाँ पर यस ओ ओ डब्ल्यू ई ओ एग्जैक्टली, आप ओ करते हैं एम्प्लॉय को. सही है, यू ओ सैलरी टू एम्प्लॉय, आपने एम्प्लॉय सैलरी को देनी है. जैसे कहते हैं ना आई ओ यू. सही है, तो मैं आपका मकरूज हूँ, उर्दू का लफ्ज है मकरूज, मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपको पैसे देने का पाबंद हूँ. ठीक है, सही है भाई. एम्प्लॉय का हक होगा, अबीर भाई मुझे एम्प्लॉय के लिहाज से खर्च नहीं है, मुझे तो बिजनेस के लिहाज से देखना है. मैंने एम्प्लॉय से काम करवा लिया तो अब हमने उसे सैलरी अदा, वी हैव टू पे सैलरी टू देम.
इन एनी केस, चाहे बिजनेस तबाह हो रहा हो चाहे बिजनेस में पैसे ना हो, बट अगर हमने मुलाजिम से काम करवा लिया तो वी हैव टू पे सैलरी टू हिम। ओके, इज इट क्लियर? तो अब accrued expense, outstanding expense, ये सिर्फ वर्ड समझाने के लिए लिखा हुआ था। इसकी अगर examples की बात करूं तो वो हो सकता है accrued rent expense, outstanding rent expense, accrued salaries expense, outstanding salaries expense, accrued advertising expense। सर ये कैसे आ गया अचानक accrued advertising expense? भाई हमने किसी टीवी चैनल, हमने किसी रेडियो चैनल से कॉन्टेक्ट किया और कहा भाई आप हमारा ऐड चलाएं, उन्होंने कहा ठीक है हम चला देंगे, उन्होंने कहा पेमेंट, हमने कहा पेमेंट हम आपको आफ्टर ऐड चलने के बाद इंशाल्लाह विद इन 10 डेज पेमेंट कर देंगे, उन्होंने कहा ओके। तो अब उन्होंने हमारी प्रोडक्ट का ऐड ऑन एयर कर दिया, रेडियो पर हमारी प्रोडक्ट का ऐड ऑन एयर हो गया, टीवी पर हमारी प्रोडक्ट का ऐड ऑन एयर हो गया, बट वी डिड नॉट पे येट, सो द अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग एट अवर एंड, so we owe the amount to that advertising agency, to that channel. For example, sir, if we take education in school for 1 month but haven't paid fee for, it would be accrued expense. Shah Salim कह सकते हैं आप इसको, लेकिन पता है क्या, आपकी बात को मैं क्लियर करता चलूं, स्कूल्स में जनरली एडवांस फीस ली जाती है आपसे, ठीक है, ऐसा ही है ना, तो इसलिए स्कूल पर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरेगा, बेहतर है कि हम इसे स्कूल पे ना रखें, हम इसको प्रैक्टिकल अंदाज से ही समझ लें, ठीक है। ओके, तो मैं बात को आगे बढ़ा लेता हूं और accrued और outstanding समझ आ गया। अब अगर आप लोग परेशान ना हो तो मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, थोड़ा सा डिफरेंट इसमें एक बात बोलूं, क्या सोच रहे थे अब्दुल्ला शाहिद साहब, आप शेयर करें ना जी, आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं उसको क्लियर कर सकूंगा। अब अगर आप लोगों ने इजाजत दी और कहा है ठीक है सर आप कुछ और बता दें इसका एक्रूड के डायरेक्शन, तो मजे की बात यह है कि एक्रूड और आउटस्टैंडिंग के वर्ड यहां एसेट्स की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। जैसे मैं कहूं एक्रूड रेंट इनकम, रेंट रिसीवेबल का दूसरा नाम बोला है मैंने, आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट, क्या कहा मैंने, एक्रूड रेंट इनकम, जरा इसको लिख ले कहीं, एक्रूड रेंट इनकम। सर क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रही, एक्रूड आप यहां पढ़ा रहे थे, एक्रूड माने वाजिब, तो वाजिब की दो डायरेक्शन होती हैं, या तो पैसे लेना वाजिब या फिर पैसे देना वाजिब। एग्जैक्टली भाई, आपने किसी को सर्विसेज दे दी लेकिन आपने, आपको अभी तक पैसे नहीं मिले, सही है, और इसी तरह आपने किसी से सर्विसेज ले ली बट आपने अभी तक पैसे अदा नहीं किए, क्लियर? रिपीट करता हूं, यस। तो इसका मतलब है हमें ना रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाना, हमें मगअप नहीं करना चीजों को, हमें समझना है एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का बेसिक मीनिंग क्या है, एन अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग विच इज एक्रूड, और दो डायरेक्शन में हो सकती है या अब अच्छा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर भी बात हो रही है सर्विसेस की और यहां पर भी बात हो रही है सर्विसेस की, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कमीशन रिसीवेबल, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम, accrued कमीशन इनकम, यानी हम कमीशन कमा तो चुके हैं। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, कमा तो चुके हैं और पैसे नहीं मिले, यानी हमने जिनका घर बिकवाना था, हमने जिनकी गाड़ी बिकवानी थी, हमने अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर ली, हमने उनका घर बिकवा दिया बट उन्होंने अभी तक हमें पैसे अदा नहीं किए, तो अब उन्होंने अदा नहीं किए ये उनका एक्शन है, लेकिन हमें अभी तक पैसे नहीं मिले, हमने अभी तक पैसा रिसीव नहीं किया, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कमीशन रिसीवेबल, एंड द अदर नेम ऑफ कमीशन रिसीवेबल इज एक्रूड कमीशन इनकम। सेम गोज विथ रेंट रिसीवेबल। भाई मुश्किल तो नहीं हो रहा आज का लेक्चर, क्लियर है मेरी बातें या बहुत मुश्किल बातें कर रहा हूं, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके थैंक यू सो मच।
हम कह रहे हैं एक्रूट की दो डायरेक्शन बन सकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब क्लियर हो गए। अब कुछ एग्जांपल लिखी हैं, एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्रूड रेंट इनकम होगी ना आपसा, बिल्कुल होगी। एक्रूड रेंट इनकम जब होगी तो फिर वो लाइबिलिटी नहीं होगी, वो क्या होगी बेसिकली हमारी रेंट रिसीवेबल। एक्रूड रेंट इनकम इज द अनदर नेम ऑफ रेंट रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम इज अनदर नेम ऑफ रेंट रिसीवेबल, सही है। यानी एक्रूड रेंट इनकम को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, क्या कह रहा है ये, वो रेंट इनकम जो हम कमा चुके हैं लेकिन हमें पैसे नहीं मिले हैं। यानी किसी शख्स ने हमारी जगह को 1 महीना यूज कर लिया बट उसने हमें रेंट नहीं दिया, ठीक है, तो हम कहेंगे रेंट हमारे लिए रिसीवेबल है। अब यूटिलिटी पे आ जाओ मेरा बच्चा, यूटिलिटी का बिल पे नहीं किया ये होगा एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस, एग्जैक्टली। तो इसको लाइबिलिटी क्यों कहते हैं फातिमा, इसलिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी अपने घर अपने ऑफिस में यूज, बोलिए शाबाश, हम इलेक्ट्रिसिटी अपने ऑफिस में यूज कर रहे नहीं है मेरा बेटा, कर चुके हैं। बिल कब आता है हमारे पास बताइए, करते हैं नहीं समर, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर चुके हैं। वी हैव रिसीव द बेनिफिट, वी हैव रिसीव द बेनिफिट, आफ्टर यूटिलाइजेशन आता है ना बिल हमारे पास प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। मंथ के एंड पर आए, मंथ के मिड पर आए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताओ बिजली का बिल जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो आता है एक पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर 1 month। अब वो 1 month कब एंड होता है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, वी आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ ओनली द यूजेज। आफ्टर 1 month यूजेज इलेक्ट्रिसिटी के ई प्रोवाइड अ बिल, के ई सेंड अ बिल एट योर होम कि भाई आप इतने यूनिट्स इसके कंज्यूम कर चुके हैं एंड यू हैव टू पे दिस अमाउंट टू के ई, अदरवाइज के ई विल डिसकनेक्ट द कनेक्शन। ओके, क्लास का टाइम खत्म हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप लोगों ने बता दिया। तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हैं, थोड़ा सा ये मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, ऑल दीज आइटम्स हैव बीन शेयर ऑन योर गूगल क्लासरूम क्लास डिस्कशन फोरम। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू लर्न, हु रियली वांट टू स्टडी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों को अपने घर पर बैठकर इत्मीनान से एक बार देखें और फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास में से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे बताया अटेंडेंस के लिए, मैं क्लास लीव करूंगा और उसके बाद क्लास को दोबारा ज्वाइन करके आपके अटेंडेंस मार्क करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा गूगल मीट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं चेक करता हूँ अगर अभी हो जाए तो, नहीं हो रहा। ओके।